नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं द इंडियन ट्रिपर चैनल। यहां मैं आप लोगों से LIC जीवन अक्षय 6 प्लान नंबर 189 या फिर कह लीजिए कि आप लोगों से वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी LIC की बात करने वाला हूं, जो आप लोगों को पेंशन क्रिएट करके देती है, वो भी इमीडिएट आप लोगों को अगले महीने से। तो यहाँ पे कई सारी चीजें हैं दोस्तों जो आप लोगों को जानना है। यहाँ पे आप लोगों को इस पॉलिसी में 7 तरीके के ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें आप लोगों की परचेज प्राइस वापस भी होती है और आप लोगों की डेथ के बाद नहीं भी होती है, और आप लोगों की डेथ के बाद आप लोगों की पत्नी को भी मिलती है। तो कई सारी चीजें हैं, 7 ऑप्शन आप लोगों को मिलते हैं। इन 7 ऑप्शन को आप लोगों को समझाऊंगा, इनके फीचर्स बेनिफिट को बताऊंगा, इसमें टैक्सेशन क्या है, आप लोगों के टैक्स रिबेट क्या है, और इसमें आप लोगों की लिमिटेशन क्या है, जैसे कि एज लिमिट क्या है और आप लोगों की परचेज प्राइस की क्या लिमिट है। तो कई सारी चीजें हैं, और साथ में लास्ट में हम लोग ये भी बात करेंगे वीडियो के कि आप लोग अगर इस पॉलिसी को लेते हैं 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, तो आप लोगों को उस पर रिटर्न कितना मिलेगा, यानी कि आप लोगों को पेंशन कितना क्रिएट होकर के मिलेगी सालाना या फिर महीने की। और फिर हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों को किन लोगों को इनमें आना चाहिए, यानी कि LIC जीवन अक्षय प्लान नंबर 189 में किनको आना चाहिए, और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, जिससे कि आप लोगों को एक डिटेल्ड एनालिसिस मिल पाए और आप लोग अपने लिए एक बेस्ट पेंशन प्लान चूज कर पाए अपने ओल्ड एज के लिए, या फिर आप लोग जिस भी समय, या फिर अगर आप लोग यंग भी हैं तो आप लोग अपने लिए एक फिक्स्ड इनकम यहां से निकाल सकते हैं अगर आप लोगों के पास एक लमसम अमाउंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं इसी तरह की आगे भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आती रहे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि LIC जीवन अक्षय प्लान है क्या। ये आप लोगों को एक फिक्स्ड इनकम इमीडिएट एन्युटी प्रोवाइड करता है लमसम अमाउंट पे। अगर आप लोगों के पास एक अच्छा खासा लमसम अमाउंट है तो आप लोग अपने लिए अगले महीने से ही एक पेंशन प्लान क्रिएट कर सकते हैं, या फिर एक फिक्स्ड इनकम गारंटीड इनकम क्रिएट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग LIC जीवन अक्षय प्लान में आना चाहते हैं तो आप लोगों की एज 30 साल कंप्लीट होनी चाहिए, और अगर हम लोग मैक्सिमम एज की बात करते हैं तो 85 अगर कंप्लीट हो चुका है तो आप लोग इसमें नहीं आ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि अगर आप लोग इस प्लान के साथ आना चाहते हैं तो 1 लाख रुपए आप लोगों को मिनिमम इसमें परचेज करना होगा, लेकिन अगर आप लोग ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप लोगों को 1.5 लाख का मिनिमम प्लान परचेज करना होगा। ऑनलाइन का एक फायदा ये भी है कि आप लोगों की एन्युटी में 1% बढ़ करके मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का एजेंट्स की कमीशन शामिल नहीं होते हैं, इसलिए आप लोगों को 1.5 लाख में इन्वेस्ट करना है तो वहां पे आप लोगों को 1% का इंसेंटिव भी मिल जाएगा अगर आप लोग ऑनलाइन कितने भी प्राइस का प्लान इसमें डाल रहे हैं LIC जीवन अक्षय प्लान नंबर 189 में। और दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। टैक्स बेनिफिट दोस्तों आप लोगों को ATC के अंतर्गत मिलता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें आप लोगों को केवल इन्वेस्टमेंट पे टैक्स बेनिफिट मिलता है। जो आप लोगों को एन्युटी बन करके मिलेगी, जो भी आप लोगों का फिक्स्ड इनकम मिलेगा या फिर फिक्स्ड पेंशन मिलेगा, उस पर आप लोगों को टैक्स देना होगा। तो 1.5 लाख तक आप लोग ATC के अंतर्गत इसमें इन्वेस्ट करके अपने टैक्स को भी बचा सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं आप लोगों के लिए, जो मैंने आप लोगों से कहा था कि 7 ऑप्शन आप लोगों को LIC जीवन अक्षय प्लान में आप लोगों को मिलते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है एन्युटी फॉर लाइफ। तो इसमें दोस्तों आप लोग चूज कर सकते हैं, जब तक आप लोगों का जीवन काल हो तब तक आप लोगों को एक फिक्स्ड पेंशन मिलती रहेगी। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे मिलता है कि आप लोग एन्युटी 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 सालों के लिए गारंटीड फिक्स्ड कर सकते हैं, यानी कि आप लोग यहाँ पे चूज कर सकते हैं दूसरे ऑप्शन में। आप लोग हो चाहे ना हो, आप लोगों के बाद आप लोगों की पत्नी को या फिर आप लोगों की फैमिली को 5 सालों तक पेंशन मिलती रहेंगी। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूं, यहाँ पे आप लोगों ने 5 साल की गारंटीड एन्युटी चूज करी है तो आप लोगों को यहाँ पे अगर 1 साल में ही डेथ हो जाती है तो 4 साल तक आप लोगों की फैमिली को इससे पेंशन मिलता रहेगा, या फिर आप लोगों की पत्नी को पेंशन मिलता रहेगा। यही पे दोस्तों 10, 15 और 20 सालों में भी यही लागू होता है। अब तीसरा ऑप्शन मिलता है एन्युटी ऑफ लाइफ रिटर्न ऑफ पॉलिसी ऑफ एडमिटेंट। तो दोस्तों इस ऑप्शन में आप लोगों को मिलता है कि आप लोगों ने जो भी पॉलिसी खरीदी है आप लोगों के नॉमिनी को पूरा पैसा मिल जाएगा आप लोगों के डेथ के बाद, जब तक आप लोगों का है आप लोगों की लाइफ आप लोगों को पेंशन मिलती रहेगी, बाकी आप लोगों के डेथ के बाद आप लोगों के नॉमिनी को सारा पैसा मिल जाएगा। अब चौथा ऑप्शन आता है इंक्रीजिंग एन्युटी 3%
पर एनम, यानी कि आप लोगों की जो भी एन्युटी होगी, जो भी फिक्स्ड इनकम होगी, वो 3% की दर से सालाना बढ़ती रहेगी। अब दोस्तों जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो ये है एन्युटी ऑफ लाइफ विद द प्रोविजन ऑफ 50% ऑफ द एन्युटी। तो दोस्तों इसमें क्या है कि आप लोग अपनी स्पाउस को इसमें डाल सकते हैं, अपने पति पत्नी को इसमें डाल सकते हैं। आप लोगों की डेथ के बाद उनको 50% पेंशन मिलती रहेगी। जैसे कि 10,000 पेंशन आप लोगों को इसमें मिल रही है, तो आप लोगों की डेथ के बाद आप लोगों के पति पत्नी को 5,000 की पेंशन उनके लाइफ तक मिलती रहेगी। अब यही पे दोस्तों दूसरा ऑप्शन है 100% पेंशन का प्लान, जिसमें आप लोग चूज करके अपने पति पत्नी को 100% तक की पेंशन दे सकते हैं। यानी कि जितना पेंशन आप लोगों को मिलता आया है उतना ही पेंशन आप लोगों की पत्नी को भी मिलता रहेगा। अब दोस्तों आखिरी ऑप्शन जो इसमें आप लोगों को मिलता है एन्युटी फॉर लाइफ विद प्रोविजन फॉर 100% ऑफ द एन्युटी रिटर्न। तो इस ऑप्शन में आप लोगों को मिलता है, ये ऑप्शन चूज करते हैं तो आप लोग अपने बाद, यानी कि आप लोगों की पहले डेथ हो जाती है तो आप लोगों की पति पत्नी को 100% पेंशन मिलती रहेगी, इतना आप लोगों को मिलता रहा है। और फिर उनकी डेथ के बाद, दोनों पति पत्नी की डेथ के बाद नॉमिनी को पूरा परचेज प्राइस वापस कर दिया जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने 10,00,000 की एन्युटी खरीदी है तो 10,00,000 की परचेज प्राइस आप लोगों के डेथ के बाद आप लोगों के नॉमिनी को दे दिया जाएगा। और अगर आप लोगों की पेंशन 10,000 क्रिएट हो रही है जिन्होंने खरीदा है, तो उनके बाद उनके पति पत्नी को भी 10,000 की पेंशन मिलती रहेगी। तो ये सातों ऑप्शन है दोस्तों जो आप लोगों को LIC जीवन अक्षय प्लान में मिलते हैं। बाकी दोस्तों अगर हम लोग इस प्लान की कैलकुलेशन की बात करें कि अगर आप लोग 1,00,000, 5,00,000, 10,00,000, 20,00,000, 30,00,000, 40,00,000, 50,00,000 की इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोगों को फिक्स्ड इनकम या फिर फिक्स्ड पेंशन कितना मिलेगा सालाना के रूप में। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों 1,00,000 पे कैलकुलेट करते हैं तो 6,490 रुपए आप लोगों को सालाना पेंशन मिलेगा। 5,00,000 की एन्युटी खरीदते हैं आप लोग तो 34,450 रुपए आप लोगों को मिलेगा सालाना। 10,00,000 रुपए का आप लोग यहाँ पे प्रीमियम डालते हैं तो 69,250 रुपए आप लोग को सालाना मिलेगा। 20,00,000 रुपए करते हैं तो 1,38,500 रुपए मिलेगा। 30,00,000 करते हैं तो 2,07,750 रुपए। 40,00,000 का खरीदते हैं तो 2,77,000 रुपए। अगर आप लोग 50,00,000 का खरीदते हैं तो 3,76,250 रुपए। अब ये इतने सारे ऑप्शन में इसलिए आप लोग के सामने रख रहा हूँ क्योंकि आप लोग अलग अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो किसी का 1,00,000 भी हो सकता है, किसी का 50,00,000 भी हो सकता है। और आप लोग मुझसे कॉमेंट बॉक्स करके भी पूछ सकते हैं कि अगर मैं इतने का खरीदता हूँ प्लान इसको तो मुझे कितना मिलेगा। मैं आप लोगों को अगर देखता हूँ कॉमेंट तो जल्दी से रिप्लाई करके बता दूंगा। तो फाइनली दोस्तों हम लोग बात करते हैं क्या हमारे लिए ये प्लान है और किनको आना चाहिए, और फिर उसके बाद हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आप लोग के पास कोई भी पेंशन प्लान नहीं है और अगर आप लोगों के पास एक लमसम अमाउंट है तो आप लोग LIC जीवन अक्षय को चूज कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की डिटेल के बारे में, तो आप लोगों को एडवांटेज में एक तो आप लोगों को गारंटीड पेंशन और गारंटीड इनकम की गारंटी देती है। यहाँ पे आप लोगों का पैसा किसी भी तरह से मार्केट में नहीं डाला जाता है, जिससे कि आप लोगों को एक गारंटीड उम्मीद मिलती है कि हमें हर साल, हर महीने, हर तिमाही पे, हर छमाही पे इतना इनकम क्रिएट होकर के मिलेगा ही। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को एक और ऑप्शन अच्छा मिलता है कि यहाँ पे आप लोगों को मैक्सिमम अमाउंट डालने की कोई भी लिमिट नहीं है, और यहाँ पे आप लोगों को टैक्स से रिबेट भी मिलती है। लेकिन यहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हैं कि 1,50,000 तक ही आप लोगों को टैक्स रिबेट मिलती है। अगर हम लोग डिसएडवांटेज की तरफ बढ़ते हैं तो मैं आप लोगों का ध्यान ले जाना चाहूंगा दोस्तों इसके रिटर्न पे, या फिर कह लीजिए पेंशन, या फिर आप लोगों के इनकम में। तो जिस हिसाब से देखा जाए दोस्तों आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे रिटर्न नहीं मिल रहा है। आप लोग अदर ऑप्शन भी चूज करके इससे बेहतर रिटर्न निकाल सकते हैं थोड़ा सा समय दे करके। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं दूसरे डिसएडवांटेज की, तो यहाँ पे आप लोगों का कोई भी रीइन्वेस्टमेंट प्रोसेस में टैक्स रिबेट नहीं है। जैसे कि मैं मान लूं कि आप लोगों को यहाँ पे जो भी यहाँ से पैसा मिल रहा है फिक्स्ड इनकम के रूप में, फिक्स्ड पेंशन के रूप में, वो टैक्सेबल है, उस पर आप लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। वो आप लोगों की ग्रॉस इनकम में जुड़ेगी जो भी आप लोगों का यहाँ से मिल रहा है पेंशन। अब दोस्तों यहाँ पे जो इसका मुझे काफी बेकार लगता है कि आप लोग यहाँ पे किसी भी तरह की एन्युटी प्लान को चेंज नहीं कर सकते हैं, जो प्लान आप लोगों ने लिया है उसी के साथ स्टिक रहना होगा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोगों को एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन LIC जीवन अक्षय प्लान नंबर 189 के बारे में पता चला होगा।
अगर आप लोगों का अभी भी कहीं क्वेश्चन या फिर कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो करके अपने क्वेश्चन को वहां पे पुटअप कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी जरूर बताइए, और मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग LIC जीवन अक्षय प्लान के साथ जाना चाहेंगे? अगर आप लोगों के सामने कुछ और भी बेहतर पेंशन प्लान है तो उनको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और अगर आप लोग उसका रिव्यू चाहते हैं, उस प्लान के बारे में डिटेल एनालिसिस चाहते हैं, तो वो भी आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आप लोगों की जल्दी से जल्दी मदद करने की कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर किसी के पास फिक्स्ड पेंशन प्लान क्रिएट करने का मौका है तो इस जीवन अक्षय प्लान से वो क्रिएट कर सकते हैं। कई सारी चीजें हैं, एक डिटेल एनालिसिस मैंने उनको दी है, तो उनकी मदद कर सकती है ये वीडियो। बाकी आप लोग चैनल पे नए हैं, किसी माध्यम से इस वीडियो को पाए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अभी बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली और इसी तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आते रहे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।